राधे राधे, जैसे श्याम, कैसे हो? वेलकम एन न्यू व्लॉग। व्लॉग तो नहीं आया, एक बातचीत करने आई हूँ मैं अब तक। तो भाई कमेंट आवा है सबसे ज़्यादा कि भाई आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करो हो। तो भाई मैं आज इसी बात का जवाब देना आई हूँ, क्योंकि कई बार जिस भी टाइम मैं लाइव आऊँ, कुछ व्यूवर है मेरे यही पूछा कि भाई आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, क्या क्वालिफिकेशन है। मैं ना एक वीडियो बनाऊँगी उसके लिए, लेकिन अब जो बता रही हूँ तो वो आपके सामने है। तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम मीनू है भाई, मैं हरियाणा के छोटे से गाँव से बिलोंग करूँ हूँ। और फैमिली में कौन कौन है मेरी मेरी फैमिली में हम तीन सिस्टर हैं और पापा जी हैं और मेरे कान्हा जी हैं। गोलू विनायक लड्डू क्यों रखा है चैनल का नाम? मेरे कान्हा जी का नाम गोलू है, सॉरी विनायक है, और गोलू विनायक लड्डू। तो विनायक लड्डू तो मेरे लड्डू गोपाल जी हो गए, गोलू भाई मैंने कह दिया करा है। तो मैंने उस नाम तक सोचा एक यूनिक सा नाम होना चाहिए, तो मैंने इस करके अपने चैनल का नाम गोलू विनायक लड्डू टेकया है। और दूसरी बात भाई, जो सबसे ज़्यादा कमेंट आया है कि भाई आप व्लॉगिंग नहीं करते, आप हर बार कहो भी मैं काम तो मतलब कोशिश पूरी पूरी करूँ हूँ, एडिटिंग भी है, छोटी 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 है पर मतलब क्लिप है, उन्हें ऐड करने का टाइम नहीं लगता, या थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। और सेकेंडली ये है कि भाई मैं जब भी सोचूँ ना भाई कुछ नवा, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जावा बीच में, मैं ना मैनेज नहीं हो पाता भाई। और अब मेरे मैंने यह सोचा है कि भाई ठीक है, मैं जीरो से स्टार्ट कर तो मैं करूँगी, इसमें कंटिन्यू लेकर चलूँगी, लेकिन उसके लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए मैंने। और इसमें एक स्टोरी यह है कि मेरे तेनों को मैं ना भाई कान्हा जी आपकी लाइफ में कैसे आए, आप श्याम दीवाने कैसे बने हो, भाई यू एक लंबी सी स्टोरी है, बहुत गहरी स्टोरी है। लेकिन कान्हा जी मेरी लाइफ में कैसे आए मैं ये जरूर शेयर करूँगी। कान्हा जी का आना तो हमारी लाइफ में एक अलग सा मतलब यूँ कह देना भगत कैसे आते हैं नहीं बोलेगा, क्योंकि इस चीज़ को महसूस किया है, जो अंदर से मैंने महसूस किया ना वो सिर्फ मैंने ही महसूस किया है। अदरवाइज दूसरे का तो यही है कि भाई वो क्या कहे क्या नहीं कहे, हम किसी पे मतलब किसी के विचारों से अपने विचार तो नहीं बदल सकते ना, तो वही बात है। ठीक है, बताते हैं भाई, झोली में कोई और ही डालता है मतलब कान्हा जी को, तो खुद से नहीं लेते, लेकिन हमारी तो कोई औकात ही नहीं थी भाई हम कान्हा जी को खरीदे या ले। तो फिर क्या था कि भाई कान्हा जी आगे ये हैं मतलब वहाँ पे जब आए वो 2021 की बात है, और जो हम परेशान रहते थे उससे पहले की बात है भाई, 2016-17 से ही कान्हा जी आ रहे थे अपने यहाँ पे घर पे। तो वो था मतलब मेरे कज़न थे जो उनकी वाइफ यानी कि भाभी के पास था कान्हा जी, वो जब भी मतलब बाहर जाते थे हमारे पास बिठा जाते थे कान्हा जी को, मतलब उनका आना बहुत अच्छा लगता था हमें कि भाई हमारे घर पे आए हैं, मतलब उनको खिलाना पिलाना हमें पर्सनली बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर ऐसे ही मतलब मन में था कि भाई आए कान्हा जी, तो एक बीच में स्टोरी है वो मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फिर कान्हा जी आ गए हमारी लाइफ में, मतलब आए नहीं थे, सिस्टर की कॉल आई कि भाई कान्हा जी को ले आए, हम तो परेशान थे कि भाई नहीं हम कैसे सेवा करेंगे, कैसे उनको बिठाएंगे, लाएंगे ना लाएंगे, मतलब कुछ नहीं पता था, हम चुनने थे इस बारे में। लेकिन कहते ना जब भगवान खुद ही घर से भाई खुद ही घर के लिए निकल पड़े हों भाई यहाँ आने के लिए भगत के पास, तो क्या कह सकते हैं। तो वो आए, हम सिस्टर को लड़की हुई तो हम पिलिया देने गए थे, तो उसकी जो मासी जी थी ना उन्होंने मुझे अपनी मतलब मेरी झोली में जब डाला कान्हा जी, कसम से मैं आप सभी को बयान नहीं कर सकती, जब उन्होंने मुझे दिया मतलब एक अलग सी वाई वाई, आप मैं बता नहीं सकती, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मतलब एक अलग सा यूनिक सा, जैसे जन्नत बोलते हैं ना, जन्नत का नज़ारा सा हुआ उन्होंने जैसे मेरी गोद में डाला, मतलब बहुत अच्छा। तब से मतलब उनसे इतना जुड़ते चले गए, मैंने नाम तो था सोच रखा था पहले से ही भी मैं अपने कान्हा जी का नाम विनायक ही रखूँगी। तो ये जो हराना बातें और उनका साथ शायद मेरी लाइफ में ऐसा रहा, कभी मैंने ये सोचा नहीं था। अगर आज का मोमेंट बताऊँ ना, अगर मैं थोड़ा इतना सा भी परेशान हूँ डिप्रेस्ड हूँ मैं उनको बोलती यानी कि मेरे कान्हा जी को बोलती हूँ, वो हर एक प्रॉब्लम मेरी सॉल्व करता, अभी मेरी करता, मुझे नहीं पता आप इसको पाखंड लगाओगे या क्या लगाओगे, लेकिन जो वो मोमेंट था मतलब जब आप जैसे किसी ने अपना बच्चा मुझे दे दिया, वो एक जिम्मेदारी से दे दिया, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अगर मैं आपको बोलूँ वो जिम्मेदारी नहीं है, वो है